साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अब तक बॉलीवुड की गंदगी को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आती रही हैं, मगर टीवी जगत भी धोखाधड़ी, एक्टर्स के साथ गंदे बर्ताव और गैंगबाजी को लेकर बदनाम हो रहा है। बी टाउन को लेकर तो कई कलाकार मुंह खोल चुके हैं कि कैसे उन्हें एक छोटी छोटी फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स की चरण वंदना करनी पड़ी। सुरवीन चावला ने तो एक बार बताया था कि उन्हें किस तरह एक फिल्म के लिए अपने बदन के एक एक इंच का हिसाब देना पड़ा था, जो कि बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। छोटे छोटे रोल के लिए किस कदर कलाकारों को परेशान किया जाता है, ऐसा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं होता बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी ये घटियापन शुरू हो चुका है, खासकर उन कलाकारों के साथ जो कि थोड़े उम्रदराज हैं। 20-22 साल टीवी को देने के बाद भी सीआईडी फेम शिवाजी साटम काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेकर्स उन्हें मुंह नहीं लगाना चाहते तो प्रोडक्शन हाउसेज ने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं। शिवाजी साटम ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि किस तरह टीवी मेकर्स कलाकारों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जिससे कई कलाकारों के घर में खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। तो क्या कुछ बताया अभिनेता शिवाजी साटम ने, कैसे सीआईडी के दमदार एसीपी को टीवी के मेकर्स ने बेहद परेशान कर रखा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और शिवाजी साटम की बातों पर अपना रिएक्शन जरूर दें। तो शिवाजी साटम टीवी की दुनिया का ऐसा नाम है जिन्हें देखते हुए शायद हम में से कई लोग बड़े हुए हैं। हम में से कई लोगों ने उनकी तरह सीआईडी ज्वाइन करने के सपने भी देखे होंगे, क्योंकि सीआईडी में उनका एसीपी प्रधुमन का किरदार इतना दमदार था कि वो आज भी दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। आलम तो ये है कि बॉलीवुड और टीवी के मशहूर अभिनेता शिवाजी साटम को दर्शक आज भी उनके असली नाम से नहीं बल्कि एसीपी प्रधुमन के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने 23 साल तक टीवी सीरियल सीआईडी में एसीपी प्रधुमन का किरदार निभाकर अपने फैंस के दिलों पर राज किया है। सीआईडी के अलावा शिवाजी साटम ने कई हिट फिल्मों जैसे वास्तव, नायक और सूर्यवंशम में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को हैरान किया है, लेकिन सही मायने में उन्हें पहचान मिली एसीपी प्रधुमन के किरदार से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज उसी एसीपी प्रधुमन यानी कि शिवाजी साटम के पास काम ही नहीं है, वो लंबे वक्त से बेरोजगार चल रहे हैं, जिस वजह से वो मानसिक तौर पर काफी परेशान हो चुके हैं। इस बात का खुलासा खुद अभिनेता ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है। शिवाजी साटम ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में खुद के पास काम न होने का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अपनी तकलीफ बताई। शिवाजी ने इंटरव्यू में कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बेहिसाब काम मिल रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। मेरे पास जो एक आध रोल आते हैं वो कोई खास नहीं होते। मैं मराठी थिएटर से हूँ और अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम किया है जो कि समाज को मैसेज देने वाले होते हैं। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि आज ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जा रहे और ये हर तरफ से हमारे जैसे कलाकारों का नुकसान है। शिवाजी साटम ने कहा, मेकर्स अब ज्यादातर लटके झटके वाले किरदार लिख रहे हैं। टीवी को पूरी तरह महिला किरदारों के लिए बना दिया गया है, हम जैसे मेल एक्टर्स की जगह ही नहीं बची है। घर परिवार, प्यार मोहब्बत और सास बहू के सीरियल्स का इतना ज्यादा ओवरडोज दर्शकों के सामने परोसा गया है, जिस वजह से क्राइम बेस्ड, थ्रिलर बेस्ड और जासूसी वाले शोज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। शिवाजी ने कहा, इस तरह के शोज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पूरी तरह दिमाग और रिसर्च का काम होता है, क्राइम के केसेस की स्टडी करनी पड़ती है, इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों से कानूनी राय भी लेनी पड़ती है। तो मेकर्स ऐसे जोखिम उठाने को और मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, वो बस सजे धजे भव्य सेट बनाकर मिर्च मसाले वाला ड्रामा दिखाकर इतिश्री कर रहे हैं, जबकि टीवी तो खरे अभिनय के लिए जाना जाता है। मगर अब यहाँ पर हमारे जैसे थिएटर के कलाकार सर्वाइव कर पाए ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी गई है। शिवाजी साटम ने आगे कहा, टीवी में एक तरह से मोनोपोली काम कर रही है, हर प्रोडक्शन हाउस सिर्फ नकल करने में लगा है, सबके कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे होते हैं। आज की तारीख में किसी भी सीरियल को देख लीजिए, लव ट्रायंगल का तड़का देखने को मिलेगा। दर्शकों की भी मजबूरी ये है कि वो इन सब को देखने के लिए मजबूर है, क्योंकि थ्रिलर और क्राइम के लिए तो टीवी में स्पेस ही नहीं छोड़ा गया है, इसीलिए हम जैसे कलाकार हार मान चुके हैं, मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं।
शिवाजी साटम ने आगे कहा, काम न मिलने की वजह से घर पर बैठना हमारी मजबूरी है। वहीं एक एक्टर के नाते मैं अपने काम को बहुत मिस करता हूं। दर्शक आज भी अच्छे काम और अच्छे कलाकारों को जरूर मिस करते हैं, मगर मेकर्स को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। शिवाजी ने कहा कि 2.5 साल बीत चुका है, मगर मेकर्स की मनमानी के चक्कर में हम जैसे कई कलाकारों के कमाई के रास्ते बंद हो चुके हैं। कई तो ऐसे कलाकार हैं जो बिना काम के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। मेकर्स को समझना होगा कि हर जोनर और हर तरह के शोज बनाए जाए ताकि कलाकारों को काम मिल सके और दर्शकों को भी वैरायटी देखने को मिल सके, मगर मेकर्स तो मेहनत करना ही नहीं चाहते। शिवाजी साटम ने आखिर में कहा, मैंने टीवी और बॉलीवुड दोनों में काम किया है। टीवी पर तो 23 से 24 साल से ज्यादा का वक्त बिता दिया। अगर मेरी ये हालत हो सकती है तो पता नहीं और कितने ही कलाकार मेरे जैसे हालातों से गुजर रहे होंगे, मगर उनका हाल जानने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो शिवाजी साटम के इस खुलासे पर और टीवी जगत में हो रही मनमानी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो अब अलग अलग मीडिया हाउस साउथ सिनेमा से जुड़े कुछ लोगों से इस रिश्ते के टूटने के अंदर की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जांच पड़ताल में सामने आया है एक्टर धनुष के 4 अफेयर की बातें। कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में 2019 के बाद से ही कुछ भी ठीक नहीं था। धनुष ऐश्वर्या का रिश्ता बाहरी दुनिया के लिए कुछ अलग था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलगाव की शुरुआत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। इसके मुख्य 2 कारण सामने आ रहे हैं। पहला, धनुष का अपनी 3 से 4 को-स्टार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर होना, और दूसरा, ऐश्वर्या का बतौर फिल्म डायरेक्टर करियर नहीं बना पाना। साउथ सिनेमा से जुड़े लोगों की माने तो समय समय पर धनुष की अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप की खबरें आना इसका बड़ा कारण है। ऐश्वर्या इन खबरों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। धनुष के साथ जुड़ने वाले नामों में अब तक अमाला पॉल, श्रुति हासन और त्रिशा कृष्णन का नाम सामने आ चुका है। और वहीं खबर ये भी है कि हाल ही में धनुष का एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी नाम जुड़ा है, जिसके बाद तो ऐश्वर्या का सब्र का बांध टूट गया और ऐश्वर्या ये सब सह नहीं पाई। सामने आया है कि 2020 में श्रुति के साथ धनुष का नाम जुड़ा था। श्रुति ने धनुष के साथ ऐश्वर्या के डायरेक्शन में बनी फिल्म 3 में काम किया था। इस फिल्म के बाद अक्सर श्रुति और धनुष को साथ में स्पॉट किया गया, कॉफी और डिनर डेट पर भी साथ जाते देखा गया था। वहीं त्रिशा कृष्णन और अमाला पाल का नाम भी धनुष के साथ जुड़ चुका है। त्रिशा और धनुष इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इन खबरों को लेकर धनुष ऐश्वर्या में तनाव की स्थिति हमेशा बनती रही है। इन रिश्तों पर कभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, मगर अलगाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब खबरों की माने तो ऐश्वर्या अब तक इसलिए चुप रही क्योंकि वो साउथ एक्ट्रेसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती थी। वो रजनीकांत जैसे सुपरस्टार की बेटी थी तो ऐश्वर्या के नाम से कई एक्ट्रेस घबराती भी थी, मगर बार बार मुंबई आकर धनुष पर नजर रखना ऐश्वर्या के लिए मुश्किल हो रहा था। खबरों की माने तो फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग के दौरान धनुष का अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी शुरू हो गया। हालांकि उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं आया, लेकिन खबर है कि उसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ धनुष होटल के रूम में पकड़े गए थे और उसी के बाद ऐश्वर्या ने धनुष से तलाक लेने का फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत की बेटी होने के कारण भी ऐश्वर्या को साउथ इंडस्ट्री में उतना काम नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए। पहली फिल्म 3 के बाद उनके पास कोई काम नहीं था। इसी फिल्म में धनुष ने संगीतकार अनिरुद्ध की धुन पर कोलावरी डी गाना गाया था, जो कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही चार्ट बस्टर साबित हुआ। इस फिल्म में श्रुति हासन ने धनुष के अपोजिट काम किया था और श्रुति के साथ भी धनुष का नाम जुड़ा था।